अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने पहले आपको कीमा भरे करेले वो मैंने आपको उसकी रेसिपी बताई थी। आज मैं आपको जो उसके करेलों के ऊपर से जो छिलके उतरे थे और इसके बीच उन दोनों को मिक्स करके दाल के साथ, चने की दाल के साथ आपको डिश बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आपको अच्छी लगेगी। और अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये हाफ कप मैंने ये लिया है ऑयल, ठीक है, ये हो गया, ये डाल लिया, ये थोड़ा सा गर्म हो। फिर इसमें मैं गरम मसाले डालूंगी, वो भी तैयार है, मैंने रखे हुए हैं। कुछ काली मिर्चें हैं, रेड जीरा है, लौंग है, ये बड़ी इलायची है और ये दालचीनी। ये जब थोड़ा सा गर्म होता है तो इसके अंदर हम फिर ये मसाले वगैरह डालते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने डाल दिए हैं और ये थोड़ा सा इनको ड्राई करना है। फ्राई करने के बाद इनको हल्का सा करना है। ये फ्राई हो गए, फिर इसमें सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी, ये मैंने काट के रखे हुए इस शेप में, ये देखें। आज मैंने टमाटरों को फ्रीज नहीं किया हुआ था, इसलिए फिर सबसे पहले मैंने उनको मैश किया है, टमाटरों को भी एक साइड से। फ्राई होते हैं तो उसके बाद मैं जब हो रहे हैं आस्ता आस्ता, चने की दाल जो है उसको मैंने पहले से ही मतलब गला के रख लिया होगा, उसको बॉइल कर लिया, बस उसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो। खुश्क होने के बाद फिर उसको मैं प्याली में डालूंगी। देखें, ये प्याज हो गए हैं फ्राई। अब इसमें मैं मैश किया हुआ टमाटर डालूंगी, ठीक है, ये देखें, ये भी डाल दिया। और साथ ही मैंने करेलों को भी रख दिया फ्राई होने के लिए। आप देख सकते हैं ये जो उस दिन मैंने करेलों की रेसिपी थी आपको बताई, उसमें से जो छिलके और बीज निकले थे ये उसको मैं काम में ला रही हूँ। और ये दाल के साथ भी मैंने आपको बताया था, चने की दाल के साथ बना सकते हैं, खाली प्याजों के साथ भी बन सकते हैं और कीमे के अंदर भी ये बन सकते हैं। और ये इकट्ठा मैंने इनको कर दिए, इसके बीजों को भी और इसके छिलकों को भी। ये जब फ्राई हो जाएंगे और जब आप खाएंगे तो इसकी जो मतलब आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये, इसके खास तौर पे क्रंची से इसके बीच हो जाएंगे, मतलब आपको टेस्ट करेगा जैसे आप कोई क्रंच वाली चीज खा रहे हैं। अब इसको भी थोड़ी देर है, तो ये चीजें मैंने कुछ पहले तैयार कर ली थी ताकि आपका टाइम बचे। और ये मेरे मटर डाला हुआ है, अब ये मिक्स हो रहा है, इसमें ये अच्छी तरह मिक्स हो रहा है, एक मिनट। अब मैं इसमें ये देखिए, मैंने एक टीस्पून थी मिर्ची और तकरीबन एक टीस्पून से कम ही थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मैंने इसमें क्यूब भी डालना है, आपको पता है क्यूब के अंदर भी नमक होता है, और ये चिकन क्यूब जो है, और इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, ये भी अब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी टमाटरों का पानी इसमें है, अगर बिल्कुल खुश्क चीज में मिर्ची वगैरह डाली जाए तो वो जल जाती हैं, इसलिए इसका रंग भी अच्छा आ रहा है, ये देखें। और अब इसमें ये चिकन क्यूब भी मैंने डाल दिया ताकि ये भी मिक्स हो जाए। देन इसके बाद
मैं डालूंगी, ये मैंने अनारदाना है, ये मैंने तकरीबन डेढ़ चम्मच ये मैंने लिया था, ये टीस्पून, ये भी अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, ये डाल दिया, ये सिर्फ टेस्ट देने के लिए। एक मिनट मैं इधर भी वजो दूँ इसको जो फ्राई कर रही हूँ। अब ये देखें, ये मैंने पिसा हुआ धनिया, ये मैंने डालना है इसमें। ये चीजें, ये तकरीबन मसाला तैयार ही है, मजीद अब नहीं कुछ डालूंगी। इसमें मैंने थोड़ा घी डाला था, तकरीबन हाफ कप था वो, और क्योंकि मैंने करेलों को अलहदा से करना था और उसमें भी अब घी होगा, तो फिर दोनों को जब मिक्स करेंगे, दाल को भी मिक्स करेंगे, तो फिर ये हमारी डिश तैयार होगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं, अब इसकी तरफ आ रही हूँ मैं, ये करेलों की तरफ आप देख रहे हैं, ये हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं और बिल्कुल जला नहीं देना, गोल्डन सा इसका कलर आए। ये देखें, दोनों चीजें इकट्ठी फ्राई हो रही हैं, इसके बीज भी हैं और छिलके भी हैं। तकरीबन अब मेरा ख्याल है इसका मसाला तो बिल्कुल ये प्याज भी ब्राउन हो गए हैं, मसाला भी तैयार है और इधर से करेले भी हमारे तैयार हैं। अब मैं दाल मैंने पहले से की हुई थी, इसको गलाया हुआ था, बॉइल किया था खाली, ये इसको इसमें ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें मैं करेलों को भी ऐड करती हूँ। देखिए मुझे चाहिए बाउल जी, इसमें ओके। अब ये देखिए मैंने दाल डाली थी, कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, और अब मैं इसमें करेले डाल रही हूँ। ये देखें, अब सब कुछ तैयार, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है, रेडी फॉर इट। दाल को आपने पहले से अच्छी तरह गलाना है, क्योंकि बाद में हमने इसको दम पे नहीं रखना। बस अब ये रेडी है, रेडी। देखिए अब हमारी डिश तैयार हो गई है, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, बेल भी हो चुकी है और खाने के लिए आप लोग आ सकते हैं। ये देखें, ये डिश हमारी बिल्कुल रेडी है, कितनी इसकी खूबसूरत लुक आ रही है। और ये मैंने थोड़ा सा बनाया है ये सैलेड, और ये मेरे जहन में आइडिया आया था, मैंने इसमें भी फिलिंग कर दी है इसकी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह ही पकड़ के खा सकते हैं जिस तरह आप बर्गर खाते हैं, एज ए स्नैक आप उसको ले सकते हैं। और इस पे मैंने डाला है, ये ड्राई किया हुआ मैंने पुदीना डाला है, और इसमें मैंने फ्रेश इसके ऊपर डाला है, और ये बहुत मजे की है, बहुत टेस्टी है, और आप खाएंगे, बेशक रोटी के साथ खाएं, बेशक तंदूर की रोटी के साथ खाएं जो बाजार में मिलती है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। और बेशक आप केचप लगा लें, ये केचप भी मैंने रखा हुआ है, ये देखें, और ये सिरका है, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एज ए स्नैक ले सकते हैं। तो मैं ये बहुत मतलब मैंने कम बनाई है, इसमें इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। चने की दाल मैंने एक कप लिया है, और तकरीबन इतने ही वो बीज और करेलों के छिलके थे, और प्याज एक अदद मैंने लिया मीडियम साइज, और इसी तरह लहसुन भी मैंने डाला थोड़ा सा, और चिकन क्यूब डाला है, मुख्तसर सा नमक मिर्च अपनी टेस्ट के हिसाब से, आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपके साथ शेयर करें, बच्चे भी आपके साथ खाएं, आप इसके सैंडविच भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, स्कूल के लिए दे सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब टेस्टी है। बेशक आप उसमें चीज का एक पीस रख दें और फिर उनको एज ए सैंडविच आप उनको स्कूल के लिए दें,
तो आपको बहुत मजा आएगा। आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं, कोई दावत है उसमें भी आप इस तरह इसको आप ये इस तरह प्रेजेंटेशन हो सकती है। और ये भी जो है मैंने खीरे के अंदर मैंने इसको कट करके इसमें फिल किया है, और ये ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। और एंजॉय करें इसको। अब मुझे इजाजत दें क्योंकि बहुत गर्मी थी किचन में, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और इसके बारे में कमेंट्स दें, एक्सप्लेन करें कि आपको कैसा लगा और कैसी। बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।